हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। और आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम इस एपिसोड में जाने वाले हैं नेदर में। और नेदर में हम करने वाले हैं, मतलब अगर आपने मेरा पहला नेदर वाला वीडियो नहीं देखा था तो उसमें मैंने सिर्फ नेदर पोर्टल बनाकर छोड़ दिया था, और नेदर में जाते ही मेरा जो नेदर वाला स्लाइम होता है उससे सामना हो गया था और उसने मेरे को लावा में धकेल दिया था। ये आवाज मेरे को लगता है नेदर से ही आ रही है। मैं सरप्राइज मदरफकर, भाई 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 भाई, नहीं म्यूजिक। तो वो वाली वीडियो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा कार्ड्स में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको माइनक्राफ्ट सर्वाइवर की, तो आप जाकर देख सकते हो। तो उस वाले एपिसोड में मैंने बोला था कि अभी हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। सो गाइस, हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है, आप वो देख सकते हो, काफी सही सा डेकोरेट किया है। और मेरे को अभी ना थोड़े और ब्लॉक लाने हैं नेदर से, और साथ ही हमें जाना है नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने ब्लेज रॉड के लिए, ताकि हम पोशंस बना सके, जिससे कि हमें एंडर ड्रैगन को मारने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और बाकी कुछ विदर स्केलेटन भी मिल जाएगा, जहां से हमें विदर को मारने के लिए विदर हेड कलेक्ट करने के लिए तो नेदर पोर्टल ढूंढना ही होगा। तो आज का सबसे जरूरी काम हमारा है नेदर में जाकर क्रिम्सन फॉरेस्ट को ढूंढना, वो जो रेड वाला बायोम नहीं होता है नेदर में, उसको ढूंढना, वहां से कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉक्स लाना, श्रूम लाइट लाना, और इस नेदर पोर्टल को कंप्लीट करना। आप देख सकते हो काफी सही बनाया, अभी मैं आपको नजदीक से मैं जाकर दिखाता हूँ। उससे पहले ना मैंने अभी यहाँ पर ट्रेडर की आवाज सुनी, तो मेरे को ना एक और ट्री चाहिए। और ये देख सकते हो मैंने इतनी सारी बिल्लियां पाल ली, तीन है, एक और है पता नहीं कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही अभी, बाकी इन तीनों को मैंने यहाँ बैठा रखा है। तो अभी मैंने यहाँ ट्रेडर की आवाज सुनी है, तो उससे ना अभी मैं थोड़ा ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक तरह की ट्री और चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब सभी तरह की ट्री हो चुकी है। उधर मेरे पास ओक ट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जंगल सैपलिंग मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाया था, जो घर वाली वीडियो थी इसमें आपको दिखाया था कि मैंने उससे सैपलिंग खरीद कर जो है ये जंगल। अच्छा देखो आवाज़ आ रही है ना, कहाँ है बे, अच्छा ये रहा। शायद एक और तरह की ट्री होती है स्प्रूस की, स्प्रूस ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, तो वो वाली सैपलिंग अगर ये दे रहा होगा तो मैं ज़रूर इससे खरीद लूँगा। ये तो बिर्च की सैपलिंग दे रहा है, ग्लो स्टोन दे रहा है इसमें। चलो भाई भाई वो वाली सैपलिंग लेकर आइयो, वो ले खरीदूंगा तेरे से, अभी जा तू। पर जंगल ट्री, ओक ट्री, वहाँ डार्क ओक ट्री भी मैंने लगा रखा है, और अकाशिया का तो यहाँ पर जंगल सा ही है जंगल, जहाँ मैं स्पॉन हुआ वहाँ अकाशिया का ही जंगल था। और मैंने यहाँ कुछ ट्री व्री लगा रखे, वो सब मैं सजावट बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले आपको मैं नेदर दिखा देता हूँ। क्या ही खतरनाक सा पोर्टल बनाया है मैंने, बट आप ये देख सकते हो क्या ही लग रहा है ये पोर्टल, मतलब इतना बड़ा सा है। पहले तो मैंने छोटा सा बस वो जो नॉर्मल पोर्टल होता है जो उस पार बना हुआ है वो होगा, तो उस तरह का बनाया, फिर मैंने इसको तोड़कर फिर से बड़ा बनाया, उसके बाद ये डिजाइन जो है इस पर फिट हुआ है। तो अगर आपको ये वाला बनाना है पोर्टल, तो जिनका भी ये पोर्टल है, मैं अभी उनका नाम भूल गया हूँ, तो उनका डिजाइन का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो ताकि अगर आपको बनाना हो तो वहाँ जाकर आप देख कर बना सकते हो। मैंने भी उसी से देख कर बनाया इस पोर्टल को, जो ये बिल्ड है ये बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई मेरे को ये स्टेयर्स लगाने की। ब्लैक स्टोन मेरे पास थोड़े से बचे थे, और थोड़े और जाकर मैं लाया, ऑफ कैमरा जाकर मैं नेदर में गया था और थोड़े ब्लैक स्टोन लेकर आया, और बाकी सारे तो वो तो नेदर ब्लॉक अभी भी देख सकते हो आप मेरे पास इतने सारे हैं। तो अभी हमें को जाना है नेदर में और ढूंढना है क्रिम्सन फॉरेस्ट। तो इंट्रो तो काफ़ी लंबा हो गया गाइस, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। और अगर आपको ये नेदर पोर्टल का डिजाइन पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक देना। चलो अब चलते हैं सीधा नेदर में और ढूंढते हैं क्रिम्सन बायोम। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ नेदर में, और यहाँ पर जो है मैं अब वापस जाकर आपको पूरा उसका सराउंडिंग दिखा दूंगा किस तरह से मैंने बनाया है। सो आप इसे फोटो देख के भी बना सकते हो। और यहाँ नेदर में तो काफ़ी सही सही आवाज़ नहीं आ रही है, और वहाँ मशरूम है क्या, चलो। तो इस डायरेक्शन में मैंने खोदना शुरू किया था, और इधर मैं जा रहा था, तो उस वाले एपिसोड में मैं इस लावा में गिर गया था, तो इस बार मैं नहीं गिरना चाहता, क्योंकि ऊपर से जो वो स्लाइम होते हैं ना, लावा वाला स्लाइम, उसको क्या बोलते हैं मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, वो गिरते हैं रहते हैं यहाँ पर। तो इस डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सा खोदा था, और थोड़े ब्लॉक्स मैं लेकर गया था, ये नेदर ब्रिक्स जो होते हैं उसे पका कर मैंने वहाँ कुछ स्टोन लगाए थे, देख सकते हो यहाँ वो भी रखा हुआ है, और मैंने थोड़े से गोल्ड्स भी ले लिए, अगर पिगलिंग मिले, अगर लगता है ऊपर पिगलिंग है। इधर हो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, लो तुम्हारे लिए गोल्ड लाया मैं।
हेलो हेलो आ जाओ भाई। भाई ये तो सस्ता पिगलिंग लग रहा है, क्या दे रहा है मैं गरीब हूँ। भाई कुछ अच्छा सा दियो, सोना दिया मैंने तेरे को, सही सा सामान दियो, समझ ले सही नहीं दिया तो पिटाई लग। अबे साले क्रैवल दिया भाई, एक ही है क्या? ये अमीर बंदा नहीं है गाइस। आओ लो एक और, इस बार अच्छा नहीं दिया तो दूसरे पिगलिंग पर ट्राई करेंगे, वरना हम अपना खोज जारी रखेंगे। क्या दिया? ओ एंडर पर्ल दिया गाइस, इससे ट्रेडिंग करो, एंडर पर्ल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, ये लो लो लो, तुम और लो तुम और लो, क्या कर रहे हो? ये लो भाई, भाग कहाँ रहे हो? एंडर पर्ल दो तुम मेरे, एंडरमैन को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चल एंडर पर्ल। अरे क्या दिया इसने? स्पेक्ट्रल एरो दिया, इसका क्या काम है? ये ले और ले। चलो ये तीसरा अटेम्प्ट है, इस बार क्या देता है देखते हैं, कुछ सही सा दे दे। अबे स्टिंग्स स्टिंग्स मेरे पास भरे पड़े हैं, ये ले और ले, कुछ सही सा दे दो भाई। अच्छा ये क्रिम्सन वाले बायोम में ना ज़्यादा उगते हैं, तो वहाँ जाकर हम ट्राई करेंगे। ऑब्सीडियन, हु इज कटिंग ऑनियंस, क्राइंग ऑब्सीडियन दिया इसने गाइस, तो क्राइंग ऑब्सीडियन से कुछ बन सकता है क्या? एक और ले ले, उसके बाद चलेंगे हम अपने घर सी पर। अबे यार स्टिंग्स नहीं चाहिए, एक और ले। मेरे को ना जल्दी से जल्दी अपना इंचेंटिंग टेबल बनाना होगा, ताकि हम जो है ना सिल्क टच लेना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अरे गॉड्स दे रहे हो। चलो बाद में आता हूँ तुमसे ट्रेड करने, अभी चलते हैं हम। चलो बहुत अच्छा, एक तो अच्छी चीज़ दी एंडर पल, इसने चार एंडर पल दे दिए, काफ़ी सही काम हो जाएगा हमारा। तो इस डायरेक्शन में मैंने खोद रखा है, और मेरी पिकेक्स भी आधी जा चुकी है, मैं क्राफ्टिंग टेबल और आयन तो लाया हूँ, बना सकता हूँ। चलो इस डायरेक्शन में और आगे खोजते हैं, कहीं हमें क्रिम फ्रेस्ट मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। तो चलो खोदना शुरू करते हैं। सही है ये नेदर काफ़ी आसान। ओ भाई भाई साहब, खोजने कुछ आया और मिल कुछ गया, ये तो फोर्ट्रेस ही लग रहा है, ये फोर्ट्रेस का ही कंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि फोर्ट्रेस में ही ऐसे वाले लगे होते हैं। ओह मिल गया, ये टेरिबल फोर्ट्रेस एडवांसमेंट कंप्लीट। सही भाई, खोजने कुछ आया था मिल कुछ गया। इसके ऊपर कैसे जाऊं पर मैं अब? ओ भाई मैं सॉर्ड भी बना कर नहीं ले। अरे भिखारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। अरे नेदर वॉट, अरे चाहिए ही चाहिए, नेदर वॉट ही तो चाहिए। ये उठा ले भाई, ये उठा ले, ये भी उठा ले, मैं अपने यहाँ इसको उगाऊंगा। भाई साहब आते ही सही लूट मिल गई, पर ना मेरे को यहाँ कुछ ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। अरे कुछ फेंको यार, तुम निकलो, आगे चल के देखते हैं और क्या क्या मिल। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, पहले इधर चलते हैं। ओ भाई यहाँ चेस्ट है गाइस, अरे अरे देख लिया इसने गाइस, आओ भाई आओ, ये मेरे को इफेक्ट दे देगा गाइस, मेरी हेल्थ कम है। अरे भागना भागना, बचा। अबे क्या दिया इसने? अरे हटो ना, तुम नहीं चाहिए। आओ ये चेस्ट खोल के देखे क्या है। ओ गोल्ड, ताला टट्टी चेस्ट। जाओ तुम सब यहाँ जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। स्टिंग्स भी जाओ, और क्या फेंक दूँ? कोल, अरे क्या है भाई? ब्लेज, अरे यार मैं बोल आना भूल गया, हट। अच्छा मेरे पास स्टिंग है, क्राफ्टिंग टेबल भी है, मैं ना बो बना सकता हूँ। आओ गाइस काम ले थोड़ा दिमाग से, हर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिनट के लिए ये रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ, ताकि कोई आ ना सके यहाँ। अबे ब्लेज जा उधर, रुक जा, तेरे को मारने का ही प्लान बना रहा हूँ। यहाँ रखो ये, थोड़ी सी स्टिक्स चाहिए मेरे को, और मेरे पास एक वो है जो मेरे को जॉम्बी से मारने की मिली, जो जॉम्बी को मारने के बाद मिली, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, जिसमें पावर 1 लगी हुई है, पर उसकी हेल्थ ना बहुत कम है, तो मैं उसको लाना भूल गया। और आओ भाई भाई मारियो मत तू, भाई मारा इसने, मर जा ये भाई, इसने रॉड नहीं गिराई, हट। आओ भाई तोरे एरो हैं, एरो संभाल के चलाना होगा, ब्लेज पर ही चलाना होगा, बस इसमें कुछ अच्छा सामान दे दे भाई। ओ गोल्ड हॉर्स आर्मर, चलो सही है, ऑब्सीडियन हमारे हॉर्सी के लिए, ये चेस्ट भी ले जाऊंगा मैं भाई। अरे ये मैं क्यों लेके आ गया यहाँ पर,
इसको रखो यहाँ पर, इसको भी रखो यहाँ। चलो अब ये वाला एरिया तो एक्सप्लोर हो गया गाइस, इधर कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। ये कहाँ आ गया मैं, ये पूरा भूल भुलैया है गाइस। आओ इधर आ, ओ मिल गया गाइस, ये बायोम मिल गई गाइस, पर ये ब्लू वाली बायोम है, मेरे को रेड वाली बायोम चाहिए थी। पर यहाँ से भी काम हो जाएगा हमारा, और कुछ तो मिला, श्रूम लाइट तो यहाँ भी भरपूर मिल जाएगी। पहले और चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। देखियो इतनी लंबी दूरी तक है इधर, ये लगता है मेरे को ऊपर वाला फ्लोर होगा। अरे यहाँ स्पॉनर है भाई, यहाँ ब्लेज स्पॉनर है भाई, यहाँ से तो रॉड मिल ही जाएगी। आजा 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 आजा। अरे यार लग गई, गया। मैं लाइट लाया हूँ क्या? अरे यार कोल भी मैं वहां छोड़ आया। अरे ये जॉम्बी, अरे ये ब्लेज गिरा क्यों नहीं रहे रॉड? अगर ये रॉड गिरा देना तो मैं अभी यहां से निकल लूं। ओके तो लगता ही है हम बाहर आ गए हैं, और मेरे को ये सारी चीजें भी चाहिए। अपना शवल निकालो यहां से। क्रिम्सन वाला मिल जाता ना तो और मजे आते। अभी के लिए ये सारी चीजें सही हैं, हम ये सारी चीजें लगा देंगे अपने पोर्टल की सजावट में। बस अब हमें एक चीज चाहिए, ब्लेज रॉड, क्योंकि ब्रिंग स्टैंड चलाने के लिए ना ब्लेज रॉड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना चलेगा ही नहीं, वो फ्यूल है उसका। छोरो क्राफ्टिंग टेबल को हम यही छोड़ते हैं और निकलते हैं, हम चलते हैं उस ब्लेज स्पॉनर पे। हमें कुछ ब्लेज रॉड चाहिए ताकि हमें बार बार यहाँ आना ना पड़े। इधर नहीं है, थोड़ा आगे है ये राना। अरे रे 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 रे, गलत किया मैंने। अरे भाग भैंस की। अरे दे दिया भाई, इतने 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 क्यों हैं? भागो भागो भाई, क्या कर रहा हूं मैं, बच गया। ओ भाई बच गया भाई, अचानक से इतने विदर स्केलेटन कैसे स्पॉन हो गए? अरे अरे भाई 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 भाई, मेरी एचपी मेरी एचपी, अरे मेरी एचपी, खाना खाओ भाई। भाई यार मेरे को मिल्क लेके आनी चाहिए थी, पर पता था थोड़ी था मेरे को फोर्ट्रेस मिल जाएगा। ओ भाई आओ, हेड दे दो, हेड स्केलेटन अपने हेड्स दे दो, आ जाओ 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 आ जाओ। एक गया भाई, इतने पास पास कैसे आ गए थे, पास कैसे आ गए थे भाई? कुछ ड्रॉप किया ही नहीं इन्होंने, बोल भी ड्रॉप नहीं करी। मेरे को तो पता है ये मुश्किल होने वाला है, ये जो विदर स्केलेटन का हेड है ढूंढना। आओ कौन तो हुओ, हेलो ये। अरे भैंस की आंखें, क्या हो गया? अबे क्या मजाक है ये, मैं मरा। ओ बचा भाई, क्या बचा हुआ एचपी भाई। भाई ये ब्लेज तो काफी खतरनाक है, खाना खाने दो पहले। बहुत गलत मारा इसने, इसको दूर से मारना होगा भाई। दो तीन स्पॉन हो गए, मर सा। ओ फिर से लग गई यार, बस एक बार इसका रॉड मिल जाए ना, अगली बार सब फायर रेजिस्टेंस पोशंस बना के लाऊंगा। अरे मेरे एरो भी खत्म होने वाले हैं। एक एरो बचा है,
चल एक गया। अरे भैंस की आंख घूमर। मेरे को भागने दो यहाँ। ओ भाई साहब मुश्किल है, मुश्किल है। ओ भाई ब्लेज की यहाँ पर बारिश हो गई है। मैं चला यहां से। मेरे को नहीं लड़ना इनसे। भाई झुंड बना लिया इन्होंने और मेरी एरो भी खत्म हो गई। अरे रे रे रे। दे दे रॉड दे दे। यस ओ भाई मिल गया, एक ब्लेज रॉड मिली है भाई। अब मेरे को ना निकल लेना चाहिए। अब मैं बना कर आऊंगा फायर रेजिस्टेंस पोशन इससे और फिर इनकी पिटाई करेंगे। फोर्ट्रेस तो काफी बड़ी है, यहाँ हमारा सारा काम हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ से घर निकलना है, मरना वरना नहीं है, क्योंकि नेदर का सफर जो है अभी तक हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा। अरे कितना खाएगा ये रहा चेस्ट हमारा, यहाँ पर से हमने लूटा था। और यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। ये हॉर्स के लिए हमारा गोल्डन आर्मर सही है, पर गोल्डन आर्मर की ड्यूरेबिलिटी उतनी सही नहीं होती। अपना हॉर्स भी वहाँ पर बंधा ही पड़ा है अभी तक। तो मैं आया किस तरफ से था, मेरे को वो ढूंढना है। अरे एक और चेस्ट भाई, भाई ओ भाई डायमंड। अरे नहीं यार डायमंड मिल गए, काफी सही लूट। अरे पर जगह कहाँ है, क्या फेंकू मैं? अरे चेस्ट निकलो तुम यहां से, आओ भाई। अरे तुम यहां जाओ। अरे तीन डायमंड थे, हेलो तीन डायमंड थे, ये रहा। चलो भाई मस्त, क्या ही लूट मिली है भाई। ये क्या एरिया बना रखा है, नेदर कैसल ही कहते हैं ना इसको, नेदर फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस था मतलब कैसल ही तो होता है। ओ मेरा गुफा कहाँ गया, मतलब मेरी टनल कहाँ गई, इधर से आया था मैं। चलो भाई डायमंड मिल गए। ओ भाई डायमंड की तो बरसात हो गई है हमारे साथ। एक तो केव में इतनी डायमंड है, अगर आपने केव वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो आप, ऊपर बस डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, या ऊपर कार्ड्स में भी मिल जाएगी आपको। भाई रास्ता ढूंढना ना बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। आ ये रहा, इधर से आए थे हम। मिल गया भाई मिल गया, एक बार ऊपर चल के देखो क्या है। ओ एक चेस्ट और है भाई, इसमें भी डायमंड मिल जाए तो मजे ही नहीं आ जाएंगे हमें भाई। कुछ अच्छा मिलियो। ओ चलो डिसेंट टेस्ट, काफी सही सामान तो मिला हमें। ऑल राइट चलो दिन हो रहा है यहाँ पर हमारा, ये सही है। तो ये देख सकते हो पीछे से भी वो इस तरह से ये दिखता है, और आगे से तो आप देख ही लिए होगे। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, यहाँ पर हमारा कैमरा जो है बंद पड़ गया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो हम अपने नेदर पोर्टल को डेकोरेट कर रहे हैं, और यहाँ मैं पिकेक्स बनाने आया था, और ये रहा हमारा टेबल। पहले मैं ये सारी पहले आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो थी हमारी जो स्टोरेज रूम वो काफ़ी शॉर्ट थी, मैंने आपको पूरा दिखा नहीं पाया, क्योंकि उसमें जो बिल्ड जो है इतना ज़्यादा हो गया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा थी, तो मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाया और कट काफ़ी ज़्यादा मैंने कर दिया था। तो यहाँ देख सकते हो ये वाला सेक्शन मैंने फूड के लिए रखा है, और यहाँ मैंने बाकी सारी आइटम शॉर्ट कर रखी हैं। आप देख सकते हो हर तरह से मैंने शॉर्ट कर रखा है, हर पर आइटम फ्रेम भी लगा हुआ है, और कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा रखी है, काफ़ी अच्छे से शॉर्ट कर दिया। और इस तरफ भी हम चेस्ट लगाने वाले आने वाले, मतलब जिस तरह से हमारे गेम प्रोग्रेस होगी, जिस तरह से हमारे पास सामान आएगा, उस तरह से यहाँ पर जो है हम अपना भरते जाएंगे चेस्ट। तो काफ़ी सही है, कॉम्पैक्ट है, और ये ज़्यादा फंक्शनल है रादर देन कि एक बहुत बड़ा बना देना, जैसा कि बहुत सारे करते हैं माइनक्राफ्ट में लोग, कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और उसमें भर देते हैं दिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। पर ये वाला ज़्यादा फंक्शनल है, आप देख सकते हो उतनी ही चेस्ट लगी हुई है जितनी ज़रूरत होती है, उतने फालतू के चेस्ट वेस्ट नहीं लगे पड़े हैं यहाँ। और ये सेक्शन मैंने कोल के लिए रखा है, अगर मैं कोल की माइनिंग करूँगा तो वो सारे यहाँ पर रहेंगे। और भाई कैसा है, तेरे लिए एक मस्त सा गिफ्ट लाया है। इधर देख इधर देख इधर देख
तेरे लिए एक मस्त सा गिफ्ट लाया हूँ, देखेगा? बोल। हाँ चलो लो, पहना देता हूँ मैं तेरे को। आओ भाई ये ले। ओ भाई पहले उतर 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 के देखने दे तेरे को। ओए होए 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 लौंडा, चमक गया तू तो। देखो 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 जूम में देखो, क्या ही मस्त लग रहा है अपना हॉर्स। आओ 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 ललन, थोड़ा सा ये लगवा देते हैं यहाँ पर। लग तो वैसे अच्छा ही रहा है, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना अच्छा है कि इसको कोई सजावट की जना जरूरत नहीं लग रही मेरे को। चलो थोड़े श्रूम लाइट लगा देते हैं ताकि यहाँ पर जॉम्बी वॉम्बी स्पॉन ना हो। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है, बस इसमें अब ऊपर की साइड थोड़े ग्लास लगवाने हैं, ग्लास पेंस या फिर ग्लास ब्लॉक जो भी हो, बाकी तो सब सही है। ओके एवरीबॉडी, सो यहाँ पर जो है हमारा ये नेदर का डेकोरेशन थोड़ा सा कंप्लीट होता है। मैं और थोड़े से इसको फर्दर डेकोरेट कर लूँगा, अगले एपिसोड में आपको दिखा दूंगा क्या डेकोरेट किया है मैंने। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, और नेदर का ये वाला एपिसोड काफ़ी सही रहा हमारा, क्योंकि हमें एक फोर्ट्रेस मिल गया और साथ में हमने थोड़ी सी ट्रेडिंग भी कर ली, और मेन बात तो हम ना ब्लेज रॉड और नेदर कॉर्ड ये जो होते हैं ना, नेदर वॉट ले आए, जिससे कि वो बनते हैं पोशंस। तो अरे भाई साहब बहुत सही गोलम। सो पोशंस हम अगली बार बना के जाएंगे, क्योंकि मैं जो है अंधा भागता रहता हूँ और मैं कभी भी गिर जाता हूँ लाबे में। तो अगली बार जब भी हम नेदर जाएंगे तो फायर रेजिस्टेंस पोशंस बना कर जाएंगे, ताकि हम आग से कोई भी डर ना रहे। तो ये वाला एपिसोड काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि हमने नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ ली, जो कि काफ़ी सही रहेगा आगे आने वाले एपिसोड में। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें नेदर से, तो हम आसानी से ला पाएंगे वहाँ से। चलो अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, साथ ही में दबा दो वो बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली में, तब तक के लिए पीस आउट।